बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफी दिनों से बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर मैं कुछ कारणों के बारे में बताऊं कि आपको कुछ ऐसे लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का दस्तक है, कहीं ना कहीं ये बांझपन की समस्या हो सकती है। तो पहले मैं फीमेल की बात करती हूँ, फिर मैं मेल की बात करती हूँ कि कौन कौन से शरीर में बदलाव आते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ समस्याएं ग्रेजुअली उत्पन्न होती हैं। अब होता क्या है कि हमारी इतनी पुअर लाइफ स्टाइल होती है, हमारी जो वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है जिसमें हम अपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं, और उन सब का असर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। चाहे अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है, या कुछ और चीज़ें भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो आज मैं इनफर्टिलिटी की ऐसे कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कि अक्सर फीमेल ऐसा फील करती हैं और मेल भी फील करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़, अगर फीमेल नोटिस करें कि अगर उनकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, तो एक दिन दो दिन की बात नहीं है, पूरी लाइफ स्टाइल में अगर आपने अपने डाइट को गड़बड़ कर दी, आपकी जो न्यूट्रिशन की लेवल है जितना आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ प्रॉपर मात्रा में अगर एक्टिविटी भी आपका शरीर नहीं कर रहा है, तो उससे भी बहुत हद तक प्रॉब्लमें आती हैं। अब जैसे आप बोलिएगा कि मैं तो वर्किंग हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं काम करती हूँ और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी अगर आप एक्टिविटी की बात करें हैं तो जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, घर से बाहर जाना, तो घर से बाहर जाने में अगर आप वॉकिंग को इंक्लूड करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घर से अगर बाहर जा रही हैं, अपने गाड़ी से जाती हैं आप, या फिर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, और शरीर की बेसिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज के रूप में आप कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ सिटिंग जॉब है, और खाने में बिल्कुल आप एकदम फास्ट फूड का सेवन करती हैं, जैसे कि झटपट रेडी टू ईट वाली चीज़ें आप जल्दी प्रेफर करती हैं उसको खाना, जितने प्रॉपर मात्रा में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छा लेना चाहिए, आप वो कुछ भी अच्छी तरह से नहीं ले रही हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आपकी पुअर लाइफ स्टाइल है तो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे दस्तक देती है। अब ये पता कैसे चलता है कि इनफर्टिलिटी की दिक्कत महिलाओं को आ रही है? तो सबसे पहला दिक्कत आएगा आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। आपकी साइकिल या तो बहुत लंबी चलेगी या तो बहुत जल्दी जल्दी आपको पीरियड्स आएंगे, या 21 दिन से कम अगर आपको पीरियड की डेट आपकी चलती है तो वो भी गड़बड़ है, और अगर 35-40 दिन की लंबी लंबी साइकिल चलती है तो भी दिक्कतें हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल तो इतनी लंबी चलती है, दो दो महीने तीन तीन महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब तक वो दवाई नहीं खाती हैं तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं। यानी कि ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर में है। तो आपको लॉन्ग टर्म में ये फर्टिलिटी का बहुत बड़ा एक हैम्पर क्रिएट करती है, आपको कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ है, आपको ओवुलेशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी फ़िक्स नहीं है, पीरियड की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप पीरियड में अपने देखते हैं कि ब्लड का जिस तरह का कलर होना चाहिए उस तरह का कलर नहीं होता है, बिल्कुल मटमैला कलर होता है, कई बार हल्का ग्रीनिश भी आपको दिखाई देगा, कई बार ब्राउनिश दिखाई देगा, कई बार तो बिल्कुल कम पीरियड आते हैं, दो दिन बस पीरियड रहते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये बहुत फाउल स्मेल भी आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, या तो आपके जितने भी ओवुलेशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये बताते हैं कि शरीर में अंडा अब अच्छी तरह से नहीं बचा हुआ है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पीरियड साइकिल किस तरह के चल रहे हैं। आप तो सबसे पहले फ्लो को भी नोटिस करिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको फ्लो आता भी है तो एक दिन के बाद आएगा फ्लो, और पहले दिन तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं आएगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी गड़बड़ है, और किसी किसी को रुक रुक के पीरियड्स आएंगे वो भी चीज़ें गड़बड़ है। तो अगर आपका प्रॉपर फ्लो जो 3 से 5 दिन तक अगर नहीं रहता है तो उसको हम लोग नियमित पीरियड नहीं मानते हैं, और अगर आपको नियमित पीरियड काफ़ी लंबे समय तक है, ऐसे आप देख रहे हैं कि बार 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 आपकी पीरियड साइकिल गड़बड़ हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ हो सकती है, इनफर्टिलिटी आपके घर में दस्तक दे रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अरुचि उनके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, क्योंकि कई बार जैसे कि उनकी नई नई शादियाँ ही क्यों ना हुई हो, 6 महीने साल भर ही क्यों ना हुआ, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको अनिच्छा होती है। तो अगर अनिच्छा आपको रेगुलर बेसिस पे हो रही है, अगर कभी कभार हो रही है तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी लिबिडो कम है तो ये भी इनफर्टिलिटी का दस्तक हो सकता है।